वेलकम टू स्टडी जोन। आज है 7 अगस्त 2018 और 7 अगस्त 2018 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लास्ट में मैं आपसे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन पुटअप करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही ब्लू बोट्स या पोर्तुगीज मैन ऑफ वार का संबंध किससे है? तो इसमें आंसर आएगा, यह एक नई जेलीफिश की प्रजाति है और इसने हाल ही में मुंबई के आस्का बीच पर कई लोगों को अटैक किया है। वैसे तो अधिकांश जेलीफिश का डंक मानव के लिए खतरनाक नहीं होता और उसके स्पर्श से मामूली खुजली होती है, परंतु ब्लू बोट्स या पोर्तुगीज मैन ऑफ वार बहुत ही जहरीली होती है और यह मानव के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। एग्जाम्स में इन प्रजातियों से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको भी रिवाइज करते रहना। जैसे कल मैंने बताया था कि कड़कनाथ किसकी एक प्रजाति है, तो उसमें आपका आंसर था कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति है और ये इसको कालामासी भी बोलते हैं, जिसकी त्वचा और पंखों से लेकर मांस तक का रंग काला होता है। और ये आपका फिलहाल न्यूज में इसलिए है क्योंकि कड़कनाथ मुर्गे को मध्य प्रदेश सरकार का जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसलिए आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। कड़कनाथ मुर्गे को कहाँ का टैग प्रदान किया गया, मध्य प्रदेश सरकार का, और यह मुर्गे की प्रजाति है। और नेक्स्ट है पोर्तुगीज मैन ऑफ वार या ब्लू बोट्स एक नई जेलीफिश प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस विवादित अनुच्छेद की सुनवाई 27 अगस्त तक टाल दी है? तो इसमें आंसर आएगा अनुच्छेद 35A की या आर्टिकल 35A। अनुच्छेद 35A या आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे यह संविधान में कब जोड़ा गया, इसकी क्या विशेषताएं हैं, यह किस राज्य से संबंधित है। जब भी कोई टॉपिक आपके करंट का चल रहा हो तो उससे आपको अपने एग्जाम्स को रिलेट करके देखना है, यानी आपके एग्जाम्स में उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 35A अभी जम्मू कश्मीर में मुद्दा बना हुआ है, तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आर्टिकल 35A 14 मई 1954 को उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक आदेश पारित करके संविधान में नया अनुच्छेद आर्टिकल जोड़ा गया था और इसे संविधान के मूल भाग में नहीं बल्कि अपेंडिक्स में शामिल किया गया है। अगर आपसे इसकी कुछ विशेषताएं पूछी जाए कि अनुच्छेद या आर्टिकल 35A का क्या मतलब है, तो इसकी विशेषताएं हैं कि इसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य के स्थायी नागरिक को परिभाषित कर सके। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध करने वाले अनुच्छेद 370 के भाग के रूप में जोड़ा गया है और जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के मुताबिक स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो या उसने वहां पर संपत्ति हासिल कर रखी हो। और इसके अंतर्गत कोई भी दूसरा नागरिक जम्मू कश्मीर में न तो संपत्ति खरीद सकता है और न ही वहां का स्थायी नागरिक बन सकता है। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि किस आर्टिकल के अनुसार जम्मू कश्मीर में न तो कोई बाहर का नागरिक यानी दूसरे राज्य का नागरिक संपत्ति खरीद सकता है और न ही वहां का स्थायी नागरिक बन सकता है। तो आपका आंसर आएगा अनुच्छेद 35A। आपके ऑप्शन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए अनुच्छेद 370 भी दिया होगा, लेकिन अगर नागरिकता की बात आती है तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 35A और आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक शर्तों में अल्ट्रा वायरस का क्या मतलब है? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अल्ट्रा वायरस टर्म करंट के टॉपिक में आया कहाँ से। जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति के आदेश के साथ भारत के संविधान में आर्टिकल 35A को भी शामिल कर लिया गया। संविधान के अलावा किसी भी कानूनी दस्तावेज में प्रावधानों को जोड़ने या हटाने के लिए उस कानूनी दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। संविधान में इसके लिए एक निश्चित और स्थापित प्रक्रिया है जिसके तहत संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 35A को लागू करने में आर्टिकल 368 के तहत जिक्र की गई इस प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ की गई है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 368 क्या है। आर्टिकल 368 के तहत
संविधान संशोधन की इस प्रक्रिया में देश की संसद और कुछ मामलों में राज्यों के विधानसभा को शामिल किया जाता है, लेकिन आर्टिकल 35A को राष्ट्रपति ने अपने विशेष शक्तियों और अधिकारियों का उपयोग कर संविधान में डलवाया था। इस तरह यह पूरी प्रक्रिया संसद के जरिए लागू नहीं करवाई गई थी। आपको आर्टिकल 368 भी याद रखना है। आर्टिकल 368 से रिलेटेड भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। जैसे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विवरण संविधान के किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे आर्टिकल 35A की। आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर राज्य में किसी भी अन्य राज्य का नागरिक जमीन नहीं खरीद सकता, न ही वहाँ की सरकारी नौकरी कर सकता है और न ही वहाँ की सरकारी योजनाओं और छात्रवृत्ति का लाभ ले सकता है। और यदि आर्टिकल 35A को हटा लिया जाता है तो जम्मू कश्मीर में भारतीय नागरिक और अन्य राज्यों में रहने वाले नागरिकों के बीच अधिक कानूनी समानता होगी। आर्टिकल 35A की वैधता को लेकर दिल्ली के NGO वी द सिटीजंस ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और इसमें यह कहा गया है कि तब इसे कुछ समय के लिए लागू किया गया था और NGO की यह याचिका आर्टिकल 35A को अल्ट्रा वायरस घोषित करने के लिए कदम है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कि न्यायिक शर्तों में अल्ट्रा वायरस का मतलब है निर्णय लेने के अधिकार की शक्ति से परे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी NSIPI रिपोर्ट के अनुसार राज्य निवेश संभाव्यता सूचकांक 2018 में किसे पहला स्थान मिला है? इसमें कुल 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पर सर्वे हुआ है जिसमें निवेशकों की पहली पसंद है दिल्ली और दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु और निवेश के माहौल के हिसाब से सबसे लास्ट पोजिशन पर है बिहार राज्य। इसमें आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको उस स्टेट की रैंकिंग पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आपके गुजरात के लोकल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात की कौन सी रैंकिंग है या हरियाणा की कौन सी रैंकिंग है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आप यहाँ पर पॉज करके अपनी स्टेट को देख सकते हैं कि आपकी स्टेट की कौन सी रैंकिंग है और आपको अपनी स्टेट के हिसाब से वो रैंक भी याद करनी है। जैसे अगर कोई हरियाणा से है तो हरियाणा को 4th रैंकिंग प्राप्त हुई है। जैसे कोई उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश को 18th रैंक प्राप्त हुई है। तो इसलिए आपको अपनी स्टेट की भी रैंक याद रखनी है और नंबर 1 और नंबर लास्ट की पोजीशन पर कौन है आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किरसन कुटीर क्या है? तो इसमें आंसर आएगा किरसन कुटीर विधवा महिलाओं के लिए आश्रम है और किरसन कुटीर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है और इसमें 1000 बुजुर्ग विधवा महिलाओं को आश्रय देने की सुविधा प्रदान की गई है। किरसन कुटीर देश का सबसे बड़ा आश्रय गृह होगा जिसमें 1000 विधवाएं महिलाएं रह सकती है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने विधवाओं के लिए बनाए गए आश्रय गृह जिसका नाम किरसन कुटीर है उसके लिए लोगो डिजाइन करने की प्रतियोगिता शुरू की है और ये कॉन्टेस्ट 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है मेनका गांधी। जब भी किसी मंत्रालय का नाम आता है तो आपके दिमाग में सीधा ये आना चाहिए कि उस मंत्रालय के मंत्री कौन है, आपको ये रिवाइज करते रहना है। जैसे यहाँ पे नाम आया केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास की मंत्री कौन है, तो आपका आंसर होगा मेनका गांधी। ये आपको रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग के मुताबिक बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश को पछाड़कर जापान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो इसमें आंसर आएगा चीन को पछाड़कर। और बाजार पूंजीकरण के मामले में चीन को पछाड़कर जापान दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है और 2004 में चीन ने जापान को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल किया था और अमेरिका के साथ चल रहे ट्रेड वार के कारण ही चीन का शेयर बाजार जापान से पिछड़ गया है। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है US। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा विदेश मंत्रालय सचिव के रूप में विजय कुमार ठाकुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की गई है? तो इसमें आंसर आएगा बिहार राज्य के द्वारा और इस योजना के अंतर्गत अविवाहित लड़कियों को 10,000 रुपये और ग्रेजुएट पास लड़कियों को 25,000 रुपये तक दिए जाएंगे। जैसे इसमें आपके अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं
कि बच्ची के जन्म होने पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे, 1 वर्ष के होने पर 1,000 रुपये दिए जाएंगे, बच्ची के टीकाकरण होने पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे आपके जो फॉर्मेट दिए हुए हैं, इस हिसाब से गरीब परिवार की लड़कियों को ये पैसे मिलेंगे। आपको केवल इतना याद रखना है सेंटर के एग्जाम्स के लिए कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किस राज्य से जुड़ी है, तो आपका आंसर होगा बिहार राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिकित्सा संस्थानों में से कौन सा एम्स स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा बनारस के मेडिकल साइंसेज संस्थान यानी IMS बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के, और इसके लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वाराणसी में हस्ताक्षर किए गए। जब भी आपके सामने इन मंत्रियों की पोस्ट आती है तो आपको याद होना चाहिए कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, आपको ये रिवाइज करते रहना है। तो सबसे पहले आएगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है श्री प्रकाश जावड़ेकर, और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है JP नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज किस भारतीय शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा बेंगलोर कर्नाटक में, बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। और डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज में लेजर हथियारों और 4G लैन, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क जैसे 11 तकनीकी चुनौतियों को स्टार्टअप शुरू करने वाले उद्यमियों के सामने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2018 किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा भारत और थाईलैंड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किस योजना के तहत 122 नई शोध परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसमें आंसर आएगा इम्प्रिंट 2 के तहत, और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए इम्प्रिंट 2 के अंतर्गत ऊर्जा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और रक्षा से संबंधित 112 करोड़ रुपए की लागत वाली 122 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो आपको 112 करोड़ रुपए ये भी याद रखना है कि इसकी लागत कितनी है, 112 करोड़ रुपये। और इम्प्रिंट 2 में निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान शोध परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सांप के काटने, नाव दुर्घटना, सीवेज की सफाई के दौरान दम घुटने और गैस लीकेज को भी आपदा की श्रेणी में शामिल किया है? तो इसमें आंसर आएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। इन दुर्घटनाओं में मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये दिए जाएंगे, और अभी तक बाढ़, भूकंप, सूखा, बारिश, आकाशीय बिजली राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने भारतीय मूल के लोगों में अंग प्रतिरोपण की समस्याओं से निपटने के लिए नया कानून लाने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा ब्रिटेन सरकार ने। ब्रिटेन सरकार ने भारतीय मूल के लोगों में प्रतिरोपण के लिए अंगों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने हेतु अंग और उत्तक दान देने संबंधी कानून में परिवर्तन की नई योजनाओं की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है गीता मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हाईकोर्ट ने टाइगर रिजर्व में हाथियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाई है? तो इसमें आंसर आएगा उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसमें आंसर आएगा भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। क्विज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है PV सिंधु, साइना नेहवाल, कैरोलिना मारिन और अकाने यामागुची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गगनजीत भुल्लर किस गेम से संबंधित है? आपके ऑप्शन है गोल्फ, क्रिकेट, बैडमिंटन और शतरंज। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।